आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हम फिर लौट आए हैं एक धमाकेदार रेसिपी के साथ। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम यहाँ पर उबले हुए आलू का उपयोग करेंगे। इसके लिए हमने 2 से 3 आलू जो है कद्दूकस कर लिए। आप चाहे तो हाथों से मसल भी सकते हैं। इसके बाद हमने इसमें डाली है कुटी हुई लाल मिर्च, आमचूर, जीरा पाउडर, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला। इसके बाद हमने इसमें थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ी सी हरी धनिया और थोड़ा सा टमाटर की चटनी या टमाटो सॉस, हमने ये सारी चीज़ें डाल के अच्छी तरह से मिला ली है। इन सारी चीज़ों को आप मिला करके एक डफ की तरह तैयार कर लीजिए। इसके बाद हम अपने दोनों हाथों में तेल लगाएंगे। तेल लगाने के बाद हम लोग जो है इसे गोल आकार का शेप देंगे। इसका जो साइज़ है आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। यदि आपको छोटा चाहिए तो छोटा रखिए, या आप थोड़ा सा एक मीडियम साइज़ का भी बना सकते हैं, वो देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। अब हम लोग जो है अपने हाथों से इसे गोल गोल आकार का बना लेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। बेल आइकन पर क्लिक करने से जैसे ही कोई नई रेसिपी अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। इसे गोलाकार का बनाने के बाद हमने यहाँ पर थोड़े से चावल लिए हैं। इन चावलों को हम लोग जो इसे गोल गोल किया है ना, इसके ऊपर इसी तरीके से लपेट लेंगे। आप देख सकते हैं हमने इसमें जो कच्चे चावल है वो अच्छी तरह से लपेट लिए, ये अच्छी तरह से चिपक गया है। इसके बाद जो है हम लोग इसे स्टीम कर लेंगे। स्टीम करने के बाद आप देख ही सकते हैं ये कितना खिला खिला और दिखने में कितना ही सुंदर है। इस रेसिपी को आप चाहे तो चाय के साथ भी परोस सकते हैं, लेकिन ये दाल चावल के साथ अगर आप खाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट देता है। ये जो रेसिपी है ये एक सादे और सिंपल से दाल चावल को भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना सकता है। यदि आप भी आलू की वो बोरिंग से सब्जी बना बना करके थक गए हैं तो आप इसे एक बार ज़रूर बना कर देखें, आपको दाल चावल के साथ में ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। इस रेसिपी को एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें। आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी हमें कॉमेंट्स में बताएं, और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप आगे और क्या